चेन्नई सुपर किंग्स पांचवी बार आईपीएल चैंपियन बनी। ताबी मुकाबले में धोनी की टीम ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस खिताबी जीत के बाद फैंस एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को बधाई दे रहे हैं। लोग सीएसके और धोनी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस बीच आंदोलन कर रही महिला पहलवान साक्षी मलिक का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। इस ट्वीट के जरिए धोनी और उनकी टीम सीएसके को बधाई दी गई है, साथ में तंज भरे अंदाज में अपने आंदोलन का मुद्दा भी शामिल कर लिया है। साक्षी मलिक ने आज सुबह ट्वीट कर लिखा, बधाई हो एमएस धोनी जी और सीएसके, हम खुश हैं कि कुछ खिलाड़ियों को इज्जत और प्यार मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। बता दें कि इससे पहले अप्रैल के आखिर में विनेश फोगाट भी खिलाड़ियों का सपोर्ट नहीं मिलने पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। तब उन्होंने कहा था कि पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर ने कुछ नहीं कहा। विनेश ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बड़े एथलीट नहीं हैं, कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर आंदोलन के दौरान अपना समर्थन दिखाया था, क्या हम इतने भी लायक नहीं हैं। बता दें कि साक्षी मलिक उन पहलवानों में शामिल हैं जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। इनमें विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया भी शामिल थे, लेकिन 28 मई को दिल्ली पुलिस ने धरने पर बैठे पहलवानों को हिरासत में ले लिया था और जंतर मंतर से उनका तंबू भी हटा दिया था। हालांकि धरना देने वाले पहलवान अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। उन्होंने इंडिया गेट पर आमरण अनशन का ऐलान किया है।